आप सबका इस्तकबाल है एमके टीवी पर। आइए नाजरीन आज 12 जून के खबरनामा पर नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाजरीन, एमके टीवी चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाहिदा खादरी जो कि बानी खिदमत खल्क है, आज उन्होंने खुदकुशी का इकदाम किया जो कि अभी जेरे इलाज दवाखाना अवेसी में है। खुदकुशी से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने सैयद सलीम को अपनी खुदकुशी करने की वजह बताया। सैयद सलीम और नाहिदा खादरी के बीच में जबानी जंग मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी थी। आज ऐसा क्या हुआ कि नाहिदा खादरी को इतनी मजबूर होना पड़ा कि उन्हें खुदकुशी का इकदाम उठाना पड़ा। जैसे ही इस वाकये की इत्तला चंद्रायन गुट्टा पुलिस को मिली, पुलिस ने सैयद सलीम के घर पहुँच के उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। नगर पुलिस हदूद में फिर एक बार लॉकडाउन के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसमें सांचक की दावत में किन्नरों के नाचने का वीडियो मंजर आम पर आया, जहां आवाम को कसीर तादाद में देखा जा सकता है। चाहे एक तरफ हुकूमत बार बार आवाम से ये कह रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करे, तमाम एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत तेलंगाना बता रही है उसे फॉलो करे, मगर वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे मामले रोनुमा हो रहे हैं जिससे कोविड जैसी मौजूदा बीमारी की रोकथाम शायद मुश्किल होगी। ये वहीं पर दूसरी तरफ SHO हबीब नगर ने 3 लोगों पर केस बुक किया जो कि इस प्रोग्राम में मुलविस थे। अभी किन्नरों पे केस बुक किया गया या नहीं उसकी तफसीलात नहीं आई। नाजरीन हैदराबाद के मशहूर मुफ्तियों ने बयान दिया कि वैक्सीन को एहतियात के तौर पर लेना इस्लाम में जायज है। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए आवाम से वैक्सीन लेने की गुजारिश की। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। हिफाजत के लिए वैक्सीन की अहमियत है और मौजूदा दौर में इस वबाई मर्ज से बचने का एक बेहतरीन तरीक़ेकार यही है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए वैक्सीन लें। और सबसे अहम बात, सरूनगर पुलिस की जानिब से आज चबूतरा मिशन का आगाज़ किया गया। सरूनगर CI ने आज सरूनगर के मुख्तलिफ इलाकाजात का दौरा किया और लॉकडाउन में गैर मामूली तौर पर फिरने वाले नौजवानों को एक जगह बिठाकर उनकी काउंसलिंग की गई। इस मौके पे सरूनगर SI और सरूनगर के पुलिस के दीगर अहलकार भी मौजूद थे। हुसैनी आलम पुलिस हदूद आशा टाकिस के पास एक बन रही इमारत में एक मोहम्मद जुबैर नामी नौजवान का कत्ल की वारदात पेश आई है। कातिल की शनाख्त अभी बाकी है, पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। साइबर क्राइम ने एक 19 साल लड़के को गिरफ्तार कर लिया। ये लड़का एक छोटी लड़की को इंस्टाग्राम पर शर्मनाक मैसेजेस भेजकर उसे परेशान कर रहा था। लड़की की वालिदा ने कम्प्लेन दर्ज की और पुलिस ने तहकीकात कर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने संगारेड्डी टाउन में नए पुलिस स्टेशन की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके साथ मौजूद प्रो टीम काउंसिल चेयरमैन भोपाल रेड्डी और दिगर पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। इमारत के इफ्तिताह के बाद महमूद अली ने तमाम मौजूदा फर्नीचर का भी जायजा लिया। वारंगल सेंट्रल जेल को हॉस्पिटल में तब्दील करने के ऐलान के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी ने वजीर आला KCR से गुजारिश की कि चंचलगुड़ा जेल को कहीं और शिफ्ट करके चंचलगुड़ा जेल की 35 एकड़ जमीन को तालीम या मलाजमत का इदारा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से आवाम को काफी फायदा होगा। आज हुई GST काउंसिल मीट के दौरान हुकूमत तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर T. Harish राव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की आमदनी में लॉकडाउन के चलते 4,100 करोड़ का नुकसान हुआ है और उन्होंने हुकूमत से गुजारिश की कि FRBM एक्ट के तहत उधार की हद को 4% से 5% किया जाए। साबिहा मिनिस्टर और हुजूराबाद के MLA इतला राजेंद्र ने हफ्ते के दिन असेंबली स्पीकर के ऑफिस में MLA के पद से इस्तीफा देते हुए अपना इस्तीफा पत्र दर्ज किया। हैदराबाद के एक वेंकटेश नामी नौजवान ने हैदराबाद से मुंबई का 700 किलोमीटर लंबा सफर पैदल तय किया अपने पसंदीदा अदाकार सोनू सूद से मिलने के लिए। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर इस लड़के की काफी बड़ाई की। आज वट्टेपल्ली रोशन कॉलोनी के इलाके में एक खौफनाक वाकया पेश आया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी के कारखाने में लगी तेज रफ्तार में आग,
फायर इंजन को कॉल करने पर वो एक घंटा बाद पहुंची, जब तक 25 लाख का माल नुकसान हो गया था और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, आज का हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। ऐसे ही और अहम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।